यामाहा RX-135 में सुपर बाइक जैसे स्पीडोमीटर, आपको देख के होश उड़ जाएगा पूरा। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने मोड चेंज कर दिया क्योंकि थोड़ा सफेद था तो क्या ना थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैंने नाइट मोड में दे दिया। नाइट मोड तो पूरा मक्खन है भाई साहब, नाइट मोड तो पूरा मक्खन है इसका, एक नंबर पूरा फील आ गया आज बाइक चला के। इधर एनालॉग भी दिया है और मिडिल में इधर डिजिटल भी शो कर रहा है, मतलब कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। और हम आप इधर का जो सिर्फ डिजिटल भी कर सकते हो और डिजिटल के अंदर इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इधर हम लोग चेंज किया, एक डिजिटल मोड में आ गया, ओनली डिजिटल नो एनालॉग। देखिए कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, कितना एक्यूरेट, तो ड्यूक 390 से भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए अब मैं कर रहा हूँ डिजिटल के अंदर, थोड़ा जो नंबर आ रहा है उसको थोड़ा स्टाइलिश करते हैं। देखिए ये देखिए कितना स्टाइलिश हो गया नंबर। देखिए तो जैसे कि मैंने बोला, आप इधर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी ऑन कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको ऑन कर सकते हो, आप किस एरिया में हो पूरा देख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा मैप इसको नेट जितना फास्ट आएगा इतना नेट लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना ये हो सकता है। और इसके अंदर देखिए कैसे डिजिटल मीटर में चला रहा हूँ, इधर एनालॉग भी दिया है और मिडिल में इधर डिजिटल भी शो कर रहा है, मतलब कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। और हम आप इधर का जो सिर्फ डिजिटल भी कर सकते हो और डिजिटल के अंदर उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे देखिए इधर हम लोग चेंज किया, एक डिजिटल मोड में आ गया, ओनली डिजिटल नो एनालॉग। देखिए कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, कितना एक्यूरेट, तो ड्यूक 390 से भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए अब मैं कर रहा हूँ डिजिटल के अंदर, थोड़ा जो नंबर आ रहा है उसको थोड़ा स्टाइलिश करते हैं। देखिए ये देखिए कितना स्टाइलिश हो गया नंबर। देखिए और पूरा रीडिंग जो दे रहा है पूरा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एकदम पूरा एक्यूरेट। और इसके अंदर बहुत ही अलग अलग मोड भी है, तो कितना डिस्टेंस हम लोग अभी तक चल चुका है इधर भी दिखा रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ इधर। देखिए हम लोग घर से 6.4 किलोमीटर चल चुके हैं, इसलिए इधर डिस्टेंस भी दिखा रहा है कितने किलोमीटर हम लोग चले हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं कैसे ये किया तो आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। और मेरा जो सबसे फेवरेट स्टाइल है इस डिस्प्ले का, मतलब ये देख लीजिए, मेरा जो सबसे अच्छा लगता है मेरे एनालॉग और डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे मुझे सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते रहिए भाई, जूम आउट कर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग इधर देख रहे हो, ये मेरा डिजिटल मीटर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आसपास में जितना लोग जा रहे हैं घूम घूम के देख रहे हैं, भाई ये क्या लगाया आपने, ठीक है। तो मैंने इधर मेरा फ़ोन लगाया, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा बहुत ही बेसिक गाड़ी है RX-135, तो इसमें ये सब डिजिटल मीटर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने फ़ोन से थोड़ा कनेक्ट करके ऐसा एक ऐप आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऐप का लिंक भी दे दूँगा। तो इसको ला के आप कितना सुंदर कर सकते हो देख लीजिए। तो इधर आप तीन मोड है, तो ये नॉर्मल मोड है, नॉर्मल डिजिटल मोड, और डिजिटल के अंदर थोड़ा स्टाइलिश हो गया है। और मेरा पर्सनल फेवरेट जो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो है ये। इसमें देखिए इस तरफ एनालॉग है और मिडिल में डिजिटल भी है, जैसे कि आप लोग वीडियो में पहले देख लिए हो, बहुत ही अच्छा है। इसमें ड्यूरेशन भी दिखाते हैं हम लोग कितने कितने देर से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि 22 मिनट 46 सेकंड जैसे कि इधर दिखा रहा है। और डिस्टेंस दिखा रहा है 7.24 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है 64, और एवरेज दिखा रहा है कितना हम जो मैक्सिमम स्पीड और लो स्पीड का जो एवरेज है वो दिखा रहा है इधर 27 किलोमीटर एवरेज है। तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हम लोग का बहुत ही पुराना गाड़ी है, आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसमें एकदम बेसिक मीटर आता है, कोई डिजिटल नहीं आता है। और आजकल तो आप जानते हो हर बाइक में ही डिजिटल मीटर दे रहा है, होंडा साइन में भी दे रहा है, और ड्यूक 390 जैसा मीटर आप लोगों को इधर मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो टेप रहेगा तो सेलो टेप से आप अपने फ़ोन को, जो चौड़ा वाला सेलो टेप होता है उसके, आपके फ़ोन से एकदम प्रॉपर तरीके से लगा देते हो तो इस ये फ़ोन भी नहीं हिलेगा और बहुत ही एक अच्छा लुक उभर के सामने आएगा। देखिए कितने सुंदर अच्छी तरीके से मैंने इधर को इसको इधर लगाया है, देखिए एकदम सेलो टेप से चिपका दिया है, और बहुत ही एक अच्छा डिजिटल मीटर का रूप में सामने आ रहा है। और
पलक झपकते ही कोई देख के नहीं समझ पाएगा ये फ़ोन है या डिजिटल मीटर है, सब समझते हैं डिजिटल मीटर है। और अब गाड़ी अगर अपने रनिंग में होगा तो गाड़ी चलता रहेगा तो इतना कोई एकदम गौर से नहीं देखता है, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आता है रोड में। और देख लीजिए मेरा कि गाड़ी कितना पुराना है, थोड़ा साइड में जाओ देखिए कितना पुराना गाड़ी है, RX 135 है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है मैंने। और इसका जो डिजिटल मीटर का लुक उभर के सामने आ रहा है वो एक नंबर है भाई, एक नंबर देख लीजिए आप। RX 135 में ड्यूक जैसा डिजिटल मीटर, और ड्यूक से भी अच्छा, ड्यूक से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ड्यूक में तो आप इतना सारा मोड नहीं है, इसमें इतना सारा मोड है और आप सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई एक झलक में देख के नहीं बोल सकता, ये मोबाइल मैंने इधर टांग के रखा है और ये डिजिटल मीटर एक्चुअली है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो मैं इस ऐप का, जैसे कि बोला, इस ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, मतलब कि दे ही दूँगा। आप इधर देखिए कितना अच्छी जगह पे हम लोग आए हैं अभी, और मेरा RX 135 है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके अंदर ये डिजिटल स्पीडोमीटर बेटर देन जीरो आप ये कह सकते हो। तो एक्चुअली मैंने मोबाइल लगाया जैसे कि आप लोगों को मैं बोला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए, पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मोड को भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप इसके नेट कनेक्ट करते हो ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसके अंदर दे देगा। वो कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, आप इधर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी ऑन कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको ऑन कर सकते हो, आप किस एरिया में हो पूरा देख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा मैप इसको नेट जितना फास्ट रहेगा इतना नेट लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप जा चल सकते हो। और जैसे कि हम लोग अभी वेस्ट बंगाल में है, थोड़ा नेट का स्लो है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, नहीं तो पूरा एक्यूरेट है। और इसके अंदर आप मैक्स स्पीड और कितने तरीके स्पीड से आप लोग चला रहे हो ये सब दिखेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होगा तो आप ये सब फीचर्स ऑन कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए और आपके लिए भी, तो देखते रहिए। और इसके अंदर डे मोड भी है, नाइट मोड भी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर दो मोड है, डे मोड और नाइट मोड। फिलहाल ये नाइट मोड में है और मेरे को ये नाइट मोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल मैं इसको डे मोड में करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने डे मोड में कर दिया और कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो ड्यूक 390 से भी अच्छा लुक आ रहा है ये आप कह ही सकते हो, देखिए कितना अच्छा है। और इसके अंदर दो तीन मोड भी है वो आप देख लीजिए, जैसे कि ये नॉर्मल डिजिटल हो गया जैसे कि मैं पहले भी दिखाया, और डिजिटल के अंदर थोड़ा स्टाइलिश हो गया ये, और मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। तो देखिए आप एक नॉर्मल सा अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है उसको देखिए आप कितना अच्छा स्पीडोमीटर इधर तैयार कर सकते हो। तो दो तीन लोग दूर से देख के बोला, भाई ये क्या है यामाहा RX के अंदर इतना अच्छा स्पीडोमीटर आपने कैसे लगाया? तो मैंने बोला, भाई देखिए कोई नॉर्मल कोई स्पीडोमीटर नहीं है, मैं इसको अंदर फ़ोन लगाया और GPS और इंटरनेट के थ्रू स्पीड बढ़ाता है। स्पीडोमीटर एरर जो है बहुत बाइक में आता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत है क्योंकि GPS के थ्रू ये चल रहा है, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितना लुक आ रहा है मेरा RX का दूर से देखिए, मुझे लगता है कि कोई सुपर बाइक है, ऐसा लुक आ रहा है इसके अंदर से। बहुत ही ज़्यादा हिट टनल है और बहुत लोग मुड़ मुड़ के इसको देख रहा है, तो चलिए इस बाइक को थोड़ा और चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत शाम हो चुका है और शाम के अंदर कितनी अच्छी तरीके से मेरा स्पीडोमीटर जो है वो ग्लो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों आप एक बार करके देखिए आप लोगों के बाइक के साथ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक स्मार्टफोन होगा तो देख लीजिए कितना मज़ा आएगा और कैसा रिएक्शन आएगा बंदों का रास्ते में, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये तो भाई ड्यूक 390 से ज़्यादा अच्छा स्पीडोमीटर है।
पूरा नाइट मोड तो पूरा मजा नहीं आया, एक नंबर पूरा फील आ गया आज बाइक चला के। यामाहा RX 135 में सुपर बाइक जैसे स्पीडोमीटर, आपको देख के होश उड़ जाएगा पूरा, देखिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी रात हो चुके हैं और मेरा जो स्पीडोमीटर है वो नाइट मोड में दे दिया है। नाइट मोड में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि रुकिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। नाइट मोड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और देखिए, और नाइट मोड में जैसे कि सफ़ेद लाइट होता तो जैसे कि आपको आँख में लगता, जैसे कि देखिए सफ़ेद लाइट होगा तो आँख में बहुत ही लगता है नाइट में, तो एक सफ़ेद रोशनी आँख में पड़ता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये वाला फीचर भी इसके अंदर है, आप अपना नाइट मोड में भी कर सकते हो, जैसे कि देख लीजिए, ठीक है। तो आप नाइट मोड में करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा इसका स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया, ओनली डीजल रखा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से एक बार लाइक कीजिएगा RX 135 के लिए और इतना अच्छा स्पीडोमीटर के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।